है मैं आपको बता देता हूं, इट इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉलेज इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, कैसी सोसाइटीज हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है, अटेंडेंस इशू क्या होता है, फिर आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, फैकल्टीज कैसे हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर। आज हम 2 से 3 कॉलेजेस का ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसी लाइव स्ट्रीम में देखने वाले हैं, तुम उसको बैठकर आराम से एंजॉय करना। सबसे पहला कॉलेज है यार शिवाजी कॉलेज, जिसका लाइव स्ट्रीम इन माय ओपिनियन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सेशन को सारे लाइक कर देना ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स तक ये सारा का सारा सेशन पहुंच जाए। शिवाजी कॉलेज का सेशन, शिवाजी कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम 10 AM से स्टार्ट होना था, वो मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे अब, राइट। शिवाजी कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के से शिफ्ट हम करेंगे 11 बजे, दैट इज टू JMC ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बीच बीच में मैं अपने इनसाइट्स भी तुम्हारे पास देता रहूंगा, इनसाइट्स देता रहूंगा और तुम सबको बताता रहूंगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसे चल रहा है। मैं तुम सबको बता देता हूं, फर्स्ट ईयर के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में तुम्हें बताया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स कहां पे ज्वाइन करने हैं, टाइम टेबल क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस तो आपके जो भी आपका कोर्स में एडमिशन हुआ है वहां पे आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपका सिलेबस अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑफलाइन क्लासेस होंगी, बुक्स कहां से आपको अरेंज करनी है। फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज के बारे में एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, प्लेसमेंट्स कैसी है, फैकल्टीज कैसी है, सोसाइटीज कौन कौन सी है, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, फेस्ट कौन कौन से होते हैं, सिमिलरली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है, कौन सी कंपनीज हैं, कैसा एलुमनाई नेटवर्क है, इन सब के बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया जाता है। एक कॉलेज अपने आप को पिच करता है, अपनी खूबियां बताता है, अपने जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी उनके अचीवमेंट्स है वो बताता है, और तुम्हें एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस भी कॉलेज का तुम पार्ट हो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। मान लो शिवाजी कॉलेज का हम देख रहे हो तो शिवाजी कॉलेज वाले लिख देना शिवाजी कॉलेज OP। JMC का ओरिएंटेशन प्रोग्राम वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 11 AM। अभी हम मूव करते हैं शिवाजी कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे, राइट। सेशन को लाइक कर देना ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये सेशन पहुंच सके। हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं शिवाजी कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। जूम लिंक के थ्रू अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे भी उनका यार ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं। स्टार्ट हो चुका है ना? यस, मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका है, सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीफ गेस्ट बुलाया है, मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं तुम्हें। इमेज ये लो जी, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज का। एक ऑफ कैंपस कॉलेज है, उसका ओरिजिनल कैसे दिखता है वो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। उसका ओरिएंटेशन का जो पोस्टर है वो कैसे दिख रहा है वो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो जी, आई एम श्योर दिखना तुम्हें शुरू हो गया होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम नाउ बिगिंस, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ सेशन में बना रहूंगा, तुम सेशन को सारे लाइक करते रहना और ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी कॉलेज के हो या नहीं हो आपको बहुत मजा आने वाला है। मान लो आप शिवाजी कॉलेज के नहीं हो तब भी आप इसके ओरिएंटेशन अटेंड करो। मेजरली कॉलेज ओरिएंटेशन एक ही तरह की होया करती हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनके जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कुछ लैग आ रहा है वो कुछ ऐसा लैग आ रहा है मेरे ख्याल से कि इनकी साउंड नहीं नजर आ रही, ऐसा कुछ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार सुनाई देगा तो थम्स अप करना यार, एक बार सुनाई दे रहा तो थम्स अप कर देना। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। To mark the beginning of this special day, let us all join in invoking the blessings of Almighty
थ्रू लैम्प लाइटिंग एंड सरस्वती वंदना. अब लैंप लाइटिंग और सरस्वती वंदना हो रही है. अब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है, मजा आने वाला है, देख लो. लैंप वाज लिट इन कॉलेज प्रीमिसेस फॉर वेलकमिंग न्यू मेंबर्स ऑफ आवर कॉलेज. या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभृतिभिः देवे सदा पूजिता, मां पातु सरस्वती भगवती. We now take you through a tour of the college, albeit virtually, till the time we are able to have all of you physically. बहुत मजा आने वाला है इसमें. वर्चुअल टूर बहुत बढ़िया होगा, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया टूर है. देखो The Honorable Dr. Panjab Rao Deshmukh established Shivaji College in the rural area of Madiala, Delhi in 1961 with the vision of imparting quality education to young minds. The college started on a low key with 400 students and 20 teachers, but has nevertheless produced some of the finest men and women for the country. Its success may be gauged through its large campus in Raja Garden, New Delhi, which includes state-of-the-art infrastructure and world-class facilities. The college offers numerous courses and facilities for 4,000 students with 200 teachers and imparts knowledge and good values. I'm very happy to share that our Shivaji College has completed 60 years of glorious service to the nation, and I'm privileged that I'm heading this institution on this historical juncture. Shivaji College is one of the premier institutes of Delhi University, which has 51st NIRF ranking. A group of efficient and motivated people work together to ensure the smooth functioning of the institution on a regular basis. The education and teaching methods at Shivaji College ensure students reach up to their potential. The college encourages learning combined with enjoyment and skill development. It therefore provides excellent on-campus facilities such as an auditorium with modern interactive equipment, luscious gardens, cafeteria, kiosks and spaces to hang out. The college encourages excellence in sports and has a vast dedicated ground for sports such as tennis, football, cricket, volleyball and basketball. मेरे को ये कॉलेज बहुत पसंद है. यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है. यहाँ के सभी टीचर्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. यहाँ की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बैठे बैठे घंटों निकाल सकते हो किताबें पढ़ते हो. यहाँ होने वाली अलग अलग कल्चर एक्टिविटीज सभी इतनी इंट्रीगिंग होती है कि उसमें पार्टिसिपेट किए बिना रह ही नहीं सकते हम लोग. I am glad I took admission in Shivaji College. My college has been so good in terms of academic equipment, whereby it is well facilitated with commodities like the school bus, having library, well equipped with the games like sports, like rugby. I'm extremely blessed to be a part of this college where quality education is imparted by the teachers and the laboratory staff. The campus has a well-equipped health center with an experienced doctor and staff. Shivaji College has been running a full-fledged vaccination camp since some length of time, and has joined forces with those who are fighting the pandemic proactively. I am proud of my cadets. I am proud of my sports students. I am proud of my students who excel in academics. Our future plan is to see our college as one of the best colleges in our country. I want to congratulate all my faculty members and students on this historic moment. I would also like to remember all my previous principals, retired teachers, all faculty members who are no more with us, who has really contributed towards the success of this college, and because of them we are standing here today.
and we are celebrating this glorious journey of 60 years. Thank you very much. Jai Hind. वाह जी वाह, शिवाजी ओपी लिख दो भाई, शिवाजी ओपी बनता है भाई, बनता है शिवाजी ओपी बनता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ओरिएंटेशन थी, कॉलेज टूर बहुत बढ़िया था, मजे आ गए। वेल वेल है, ठीक है। One cannot know the college in totality only by the physical infrastructure. We are now showing a presentation that will enable the fresh entrants to understand the possibilities they shall be exposed to in Shivaji College. The presentation is meant to give a glimpse of various committees and facilities available in the college. Facilities दिखाई जा रही है basically Shivaji College की. Your wings already exist. अच्छा ये भी वीडियो है. All you have to do is take the flight. The world is full of limitless possibilities, and for students of Shivaji College, the institution takes as its own all of their dreams. The college, because of its multifaceted blend of cultures, traditions, hues of nature, provides a nurturing space for all individuals. The premises now boasts of a new building, the Jijabai Academic Block in 2021, with state-of-the-art infrastructure and facilities. Having rejoiced a year-long celebrations of our Diamond Jubilee, we currently cater to more than 3,900 students in 18 departments. Transform one life, transform the nation is the vision of Shivaji College. Keeping in mind the essence of college motto, Amritam Tu Vidya, the college provides a congenial environment to students for undertaking innovation and experimentation. Shivaji College is one of the selected few colleges of Delhi University that has been awarded financial grant under the Star College Scheme initiated by the Department of Biotechnology, Government of India. Our college is now a network institute of the IIRS ISRO outreach program and was awarded with the excellence. ये जो achievement है ना ISRO वाली, ये बहुत rare है और Shivaji College को मिली भी है सिर्फ. As leaders of tomorrow, our students have the passion and energy and commitment to make a difference in academic and extracurricular achievements. They keep the flag of the institution flying high. The college caters to a diverse population of students in 18 departments in 26 undergraduate and 3 postgraduate courses, along with a self-financing course, Bachelor's in Business Economics. Recognizing the importance of extra skill set and knowledge in the present learning environment and future prospects, various add-on courses have been introduced. The infrastructure of the college is constantly updated and revamped, with the hope and firm belief that the building will stand the test of time. The library is spacious and well equipped. The computer and science labs are also equipped with the latest cutting-edge technology. The college has a vast sports ground and encourages tournaments and activities all throughout the year. With hands-on equipment and materials, students at Shivaji College are given many opportunities to develop and nurture various facets of their student life, from academics to dance, from theatre and music to a variety of sports. The equal opportunity cell of Shivaji College champions the cause of students with disabilities and addresses their concerns and grievances. We have an active counselling cell, a Northeast counselling cell that addresses their concerns and offers supports to students. The college has also set up a help group of students, especially during the COVID-19 pandemic, to identify any students in need. Under the University of Delhi's Vidya Vistar scheme, Shivaji College has signed an MOU on academic and research cooperation with the Himalayan Degree College, Rajouri, Jammu and Kashmir, and the Sikkim Government College, Burtuk. This scheme aims at sharing of resources, academic cooperation, and educational collaboration. The moment of a student's success is indeed one of the proudest moments for their mentors and the college. Several scholarships are awarded to student toppers of various courses, along with the highly awaited Best Students of the Year awards in every annual day. Shivaji College adopts values and practices that promote women empowerment, ensure a green and eco-friendly campus, and instill social responsibility through various outreach programs.
Initiatives are taken by this college to sensitize the staff and students to promote a gender-just environment. ये सब initiatives हैं जो शिवाजी कॉलेज ले रहा है. Like the internal complaint committee and against sexual harassment, discipline committee and anti-ragging committee ensure a harmonious environment in the college. As the country found itself in the middle of the COVID-19 outbreak and lockdown, Shivaji College stepped forward to ensure the safety and mental well-being of its staff, students, teachers. The COVID-19 vaccination camp is also being organized by Shivaji College in association with the Delhi University Health Center. More than 20,000 people have been vaccinated since March 2020. Over the past year, the college transitioned seamlessly to online teaching learning platforms. In this spirit, our college launched SPACE, Shivaji Platform for Academic Connect and Empowerment, a digital interface and an ERP system that manages college functionalities through online technology and promotes efficient student-teacher interaction. As a part of the Diamond Jubilee celebration of Shivaji College, several webinars and lectures were organized where eminent guests such as Professor M. Jagadesh Kumar, Vice Chancellor, webinar jaise hote hain ye PC Joshi rahe hain, ye hamare PC Joshi hain, ye re PC Joshi, Professor Rakesh Bhatnagar, Vice Chancellor, JNU, JNU, Vice Chancellor Gopal Rao, Director IIT Delhi, aise hote hain webinars, seminars, online webinar seminars. The concluding ceremony was a grand online event presided over by the Honorable Vice President of India, Sri M. Venkaiya Naidu. He also released the Diamond Jubilee souvenir the same day. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. The college believes in the ideals of social service and conducts several community outreach programs through committees like National Cadet Corps, National Service Scheme, and SPADE. The Eco Club works throughout the year to create awareness about the environment and to conserve a healthy ecosystem. Shivaji College also provides an exemplary environment that instills social justice and responsibility among students. Committees like Placement Cell, Entrepreneurship Development Cell, and Finance and Investment Cell at Shivaji College encourage the spirit of entrepreneurship and business acumen. The e-learning cell was constituted for the purpose of keeping the faculty and students updated on the latest technological advances in ICT. The Center for Promotion of Inclusivity was constituted to promote acceptance and equality in society, regardless of background, community, orientation, etc. The college organized several national conferences, international seminars, lecture series, and workshops to provide a platform for the staff to engage with eminent speakers. Under the aegis of the college research cell, the college initiated an intramural research scheme with a grant of up to 30,000 to faculty members and students for a year-long research project. Publications by the college encourage recognition and acknowledgement of creativity and academia. They provide a platform for freedom of and originality of expression. Over the years, we have been honored to welcome many eminent visitors to our beautiful campus. The footprints they have left behind are embedded within the grounds, the walls, and very infrastructure of the institute. From humble beginnings in a village ground in Matiala, today we are a technologically brilliant institution that has faced multiple challenges and emerged tall and proud, a premier institute of University of Delhi. Manzil unko hi milti hai jinke sapno mein jaan hoti hai. The institution stands where it is on a pinnacle because of the dreams and efforts of those before us and those who will follow us. Dear students, hope you got acquainted with your new domain through this video. I'm sure in coming years, through your positive contributions to the institute, Head of an institution is the guiding light through the journey of any stakeholder, especially the students. I request our guiding light, Principal Professor Shiv Kumar Sehdev, to welcome the guests and the new students. Over to you, sir. Thank you very much. A very warm good morning and a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Shri Subodh Kumar Goswami Ji, DCP West Delhi, our esteemed guests, parents, my colleagues,
and above all the incoming freshers batch of the academic year 2021-2022. New beginnings means great victories and new challenges for us as teachers and mentors. This new year is defined not by the calendar, but by this entry of our incoming new batch of students. Dear students, you have made this important transition from school to college, and this is the most crucial stage in your life and career. Senior, the college is with you. We are here to mentor and guide at every step. Since the last 1.5 years, you have also been managing everything online, and I understand it's been a challenging phase in history. We hope to shift to offline classes soon. So be prepared to face these challenges and compensate for all the difficult times we have faced. All obstacles are defeated if you have courage and positive spirit. Dear students, there is a lot of difference between school and college life. You have the freedom to take your own decisions, and you must use it wisely and responsibly. As principal, it fills my heart with warmth to welcome new students into my beautiful campus, a place where you will feel an instant sense of belonging. We try our best to ensure that over the next 3 years, Shivaji College will become the space where all your aspirations and dreams are fulfilled. On this occasion, I would like to recite two lines. जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, योर फुटप्रिंट इन दिस कॉलेज विल टेक यू फार इनटू रूट्स ऑफ सक्सेस, एंड दिस इज अ प्रॉमिस आई गिव यू ऑन दिस ओकेजन. इट हैज बीन अ डिफिकल्ट पीरियड इन हिस्ट्री विद द कोविड-19 पेंडेमिक. हाउएवर, शिवाजी कॉलेज हैज मैच्ड अप टू दिस एट एवरी स्टेप. In a very short span of time, we have responded to the challenges of the pandemic and shifted to online digital platforms. All your academic material, notes, and e-content are shared by teachers, and we have subscribed to the latest technology for virtual classrooms. The college provides access to several online databases and library e-resources. Attendance, subject list, notes, marks, all are prepared and provided to students through their personal login IDs, and you will have the direct one-on-one interaction with your teachers through Shivaji very own digital platform space. A task force and counseling group has been set up to provide counseling for students in PGs and rented apartments. All students are assigned mentors who will guide them through every process and be available to rectify any problems. You also have academic coordinators who will help all their academic problems. In terms of discipline, Shivaji maintains a very strict norm. Various committees such as anti-ranking committee, discipline committee, and Vivan Sen collaborate in maintaining the highest standards of decorum and order on campus. The college has a number of committees that hone every aspect of a student's personality, and I encourage you to participate with full spirit. Go for internships and take this chance to perfect your skills for the workplace in the future. The students are encouraged to express their creativity and talents through committees such as Culture Committee, SPED, EDC, and so on. Moreover, community outreach is encouraged at college through societies such as NSS and NCC. We believe in woman empowerment and encourage independence of mind in our women students, and the Dynamic Women's Development Cell, WDC, embodies this. We believe in inclusivity, and we welcome and celebrate students from all communities and backgrounds. The Northeast Counseling Cell, the Equal Opportunity Cell, and Center for Promotion of Inclusivity are platforms for this. All societies are student-oriented, and much of the management is given to the students' teams to encourage leadership and an active college life. In this spirit, seminars, webinars, workshops, and hands-on training are organized regularly, along with the TEDx talks and gender fairs. As principal, I urge you to take full advantage of everything Shivaji College has offered to you. Attend your classes regularly, take guidance from your teachers and teachers in charge, your academic coordinators, myself, be involved in maintaining your college. It's your own property. Avoid damage of it. The campus has excellent sports facilities and a vast sports ground for all your activities and a well-equipped library.
maximize your potential by using all these facilities to the fullest. We hope and believe that the new era will be victorious. I also hope that the college will open offline soon so that you can begin life. Offline college soon. It will be the inaugural entrance into the new Jijabai Academic Block, a state of the art building with the latest facilities, a new addition to Shivaji College. It has been a year of new beginnings in many ways, and we have must look forward to. I have seen the students of this college develop independence of spirit, achieve great heights, and become leaders and change makers, visionaries who are contributing to the nation. I have a vision for you that after your studies at our college, you will have developed a strong sense of identity and will be ready to enter into the outside world as enlightened citizens who will take our country forward and be a part of its progress. We are committed to ensure that every graduating from here, each and every student should either go for higher studies or get employment. We are very committed to this. Even when times are challenging, keep dreams alive. Hard work and dedication will take you to the great heights. Stay safe, stay connected, and one the way against to Shivaji family. Jai Hind. ये वन ऑफ द बेस्ट ओरिएंटेशंस है. मैं फ्रेंकली तुम्हें बता रहा हूं सबको, शिवाजी ओपी इन द चैट हो जाए. बहुत बढ़िया. अब चीफ गेस्ट बोलने शुरू होंगे. देखो यार, अब ये बैच के ही है, शिवाजी कॉलेज के ही है. ठीक है, निस्वार्थ सेवा करना ही मेरा धर्म है. स्पीक्स अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज and tells his motto as an officer. I can't help but share an incident from one of his numerous experiences. At a protest site where the protesters had planned to burn an effigy, he came up with a unique action. He himself prepared some sketches and designed some placards with the help of his staff. The police were standing with the placards at the site, and the protesters were told to read aloud slogans from the placards and not burn the effigy, to prevent pollution and save the environment. In fact, one of the placards also carried an anti-pollution message. Making the best of the moment, he made sure to add this important message as well. It must be one of the rare occasions when the protesters and the police were in harmony. With such officers guarding us, we can rest assured that the country is in safe hands. ये शिवाजी पास आउट है, ये शिवाजी कॉलेज पास आउट है, चीफ गेस्ट जो है ना हमारे श्री शुरोबत कुमार गोस्वामी, तो ये सर वी आर ग्लैड टू हैव यू शिवाजी पास आउट ही है एज आवर चीफ गेस्ट. मुझे विश्वास है कि हमारे नए छात्रों के साथ शेयर करने के लिए आपके पास और भी कई अनुभव हैं. मैं आपसे अनुरोध करती हूं आप हमारे नए छात्रों को अपने शब्दों से प्रेरित करें. ओवर टू यू सर. मेरे ख्याल से इट इज मोर देन इनफ. तुम एक बार अपने लेवल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि क्योंकि फ्रैंकली बात तो इतनी सी है, तुम सबको मैं बता देता हूँ, फ्रैंकली बात तो इतनी सी है कि चाहे तुम शिवाजी कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं हो, ऑलमोस्ट इतने ही स्टूडेंट्स इनका लाइव स्ट्रीम भी वहां पे देख रहे हैं. शिवाजी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, शिवाजी कॉलेज की तुम बोल सकते हो यूट्यूब चैनल पे जाके तुम उसको एक्सप्लोर अपने एंड पे कर सकते हो. अब हम थोड़ी बात करेंगे, ये ओरिएंटेशन कंटिन्यू करेंगे जेएमसी की, GS एंड मेरी कॉलेज की. हाउ टू बाई स्टडी मटेरियल, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपसे बात करने आया हूँ, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. देखो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद तुम्हें WhatsApp लिंक जनरेट हो जाएगा. तुम ऑलरेडी अगर WhatsApp ग्रुप के अंदर एनरोल्ड हो किसी कॉलेज के तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म होते ही तुम्हारे पास WhatsApp ग्रुप भी जनरेट हो जाएगा. WhatsApp ग्रुप का लिंक जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना. चीफ गेस्ट की स्पीच थी, मुझे लगा तुम सबको और थोड़ी रेलेवेंट बात मैं बता देता हूँ, वरना तुम शिवाजी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, शिवाजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जाके उनके लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो. देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, बुक्स के पहले बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हम जंप करेंगे डायरेक्टली जेएमसी, जीएस एंड मेरी कॉलेज का, गर्ल्स कॉलेज है जीएस एंड मेरी कॉलेज, साउथ कैंपस का वन ऑफ द वेरी रिनाउंड कॉलेजेस, उसके कॉलेजेस की हम फर्स्ट ईयर ओरिएंटेशन देख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो 2021-22 बैच के लिए, राइट. बुक्स के बारे में थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ. सेशन को सारे लाइक करते चलना, आई एम श्योर आई एम एबल टू डिलीवर क्वालिटी कंटेंट, और जितने भी तुम्हारे फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम्स है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो बुक्स आपको एकदम नहीं खरीद लेनी. पता लगा 22 को तुम्हारे एग्जाम्स हैं,
सॉरी 22 नवंबर से तुम्हारी क्लासेस शुरू हैं तो तुमने एकदम ही बुक्स खरीदने लग गए, ऐसा नहीं करना। बुक्स खरीदने से पहले जो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल तुम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहे हो, मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, इन सबको इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करो। और तुम्हारा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं CBCS, मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। और ये इंट्रोड्यूस तभी हुआ था वेन आई वेंट टू रामजस कॉलेज इन 2015। इसको बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंदर आपका 2015 के अंदर पूरा का पूरा जो करिकुलम था दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो रिवैम्प हुआ था, वो चेंज हुआ था, वो मॉडिफाई हुआ था। उसके अकॉर्डिंग तुम मैथ्स ऑनर्स करो, स्टैट्स ऑनर्स करो, फिजिक्स ऑनर्स करो, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन करो, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक सेमेस्टर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जिनके तुम्हारे सेमेस्टर एंड के ऊपर एग्जाम्स हो रहे होंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में कुछ 4 सब्जेक्ट होंगे, थर्ड सेमेस्टर में कुछ 5 सब्जेक्ट होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स होंगे, बट आगे की बात हम बाद में कर लेंगे, उसके बारे में तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो चुके होगे तब तक। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इतनी सी है कि फर्स्ट ईयर में मान लो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट्स की जो बुक्स होती हैं या रीडिंग्स होती हैं, देखो एक तो होती है बुक, मैं भी दिखाऊं तुम्हें, एक तो होती है बुक, एक होती है रीडिंग, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बुक होती है कंबाइंड बाइंडेड फॉर्म में, रीडिंग होती है जो तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर होगा ना उसकी ही बनाई हुई नोट्स होंगे और वो बाइंडेड होंगे, वो स्पाइरल बाइंडिंग होते हैं, उनको बोलते हैं रीडिंग्स। अब जो रीडिंग्स होती हैं या किसी रेनाउंड ऑथर की बुक्स भी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है, रीडिंग जो होती है वो कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है रादर देन अ बुक, बट वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो कॉलेज का प्रोफेसर है, जो तुम्हें सब्जेक्ट प्रोफेसर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाने वाले हैं, वो तुम्हें क्या रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पीसी तुलसियान पढ़ाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उन्होंने अपनी ही कोई बुक रिकमेंड कर दी थी। सेकेंड सेमेस्टर में कोई और पढ़ाता था तो उन्होंने अपनी ही बुक रिकमेंड कर दी थी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अच्छी बात यहां पे ये है कि तुम्हारे जो कॉलेज के प्रोफेसर तुम्हें पढ़ा रहे होंगे उनकी खुद की भी बुक्स लॉन्च्ड होगी मार्केट के अंदर। हो सकता है वो तुम्हें कहें कि वो अवेल कर लो, वो बुक्स परचेज कर लो, या हो सकता है वो तुम्हें कोई दूसरे ऑथर की या दूसरे राइटर की रीडिंग या बुक दिखा दें, रीडिंग या बुक पब्लिश रीडिंग दिखा दें या बुक बोल दें कि यार ये परचेज कर लेना आप, या कोई रेफरेंस मटीरियल। रेफरेंस मटीरियल क्या होता है? रेफरेंस मटीरियल तुमने सुना होगा, रेफरेंस मटीरियल कॉलेज लाइफ में रेफरेंस मटीरियल कुछ नहीं होता। रेफरेंस मटीरियल एक पीडीएफ होती है, वो तुम्हें खरीदनी नहीं होती, वो तुम्हारा क्लास टीचर क्लास के बाद खुद ही, फॉर एग्जांपल तुम्हारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है या फॉर एग्जांपल इंग्लिश AECC एक सब्जेक्ट होता है, उसकी जो क्लास खत्म होने के बाद AECC की जो पीडीएफ होती है उस क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारा वो जो टीचर है जो तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो ही आगे पुश फॉरवर्ड कर देगा, वही तुम्हें दे देगा। ठीक है जी, बुक्स का हम फाइनल बुक्स, अब बात आती है हम फाइनल रीडिंग्स खरीदें कब और कहां से खरीदें, तो घबराओ मत, ऑनलाइन सब मटेरियल अवेलेबल है। और अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं भी है तो दिल्ली में साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस के पास जितने भी तुम्हारे बुक स्टोर्स हैं वहां से तुम्हारे पास ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाती है। मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल बीकॉम प्रोग्राम की कोई क्लास है तो बीकॉम प्रोग्राम की क्लास एक बल्क ऑर्डर प्लेस कर देती है और वो बल्क ऑर्डर, अब तो ऑनलाइन क्लासेस है, वो बल्क ऑर्डर अपने इंडिविजुअल घरों में तुम्हारे पास पहुंच जाता है। मतलब मान लो 50 बुक्स ऑर्डर कर दिए, 50 बुक्स के एड्रेस अलग अलग डाल दिए, वो कोई एक तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं CR एक चीज करके होती है, वो तुम्हारी क्लास को लीड कर रहा होता है, जितने भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एकेडमिक इश्यूज होती है, क्लास इश्यूज होते हैं, टाइम टेबल के इश्यूज होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक लिंक होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक पूरा का पूरा बल्क ऑर्डर कर देगा, बल्क बुक कर देगा और तुम सबके घर पहुंचा देगा। ठीक है जी, वो तुम सबके बीच में से ही इलेक्ट होता है, वो एक छोटा सा प्रोसेस है, वो तुम्हें समझ आएगा जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी कहने का मतलब इतना सा है, 22 नवंबर तक आपको कुछ भी बुक्स या रीडिंग्स अभी परचेज नहीं करनी, आपको वेट करना है फॉर द फाइनल क्लासेस टू हैपन। ऐसा हो सकता है एक वीक में तुम्हारी दो ही क्लासेज हो, फिर नेक्स्ट वीक में तुम्हारी रेस्ट ऑफ द दो क्लासेज हो, तो जब तक चारों सब्जेक्ट्स की है, जो भी तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, मुझे नहीं पता फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कोर्स टू कोर्स, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक बार क्लास होने दो, क्लास टीचर तुम्हें खुद ही रिकमेंड कर देगा कि तुम्हें कौन सी बुक लेनी है, कौन सी रीडिंग लेनी है, कौन से रेफरेंस मटीरियल लेना है, रीडिंग लेनी भी है या नहीं लेनी, बुक्स लेनी भी है या नहीं लेनी। ऐसे बहुत सारे क्लासेस होंगे जिसमें वो कहेंगे नहीं बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, जो टीचर जो तुम्हें फैकल्टी जो प्रोफेसर पढ़ाएगा वो खुद ही अपना रेफरेंस मटीरियल तुम्हारे तक पहुंचा देगा। बुक्स की बात इतनी सी है, तो बुक्स परचेज करने का वेट करो, मुझे लगता है डिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको वेट करना चाहिए, डिसंबर फर्स्ट वीक में बनाना शुरू करना। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस में या
नवंबर तुम्हारी 22 से शुरू हो रही है, तो दिसंबर मतलब नवंबर 30 तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें तुम कहोगे नहीं भैया मैं तो भूलना शुरू हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बुक्स खरीदने से पहले क्लासेस के कंडक्ट होने का वेट करो, क्लासेस के एग्जीक्यूट होने का, क्लासेस टेक प्लेस करने का वेट करो। ऐसा हो सकता है 22 नवंबर से लेकर जो अभी वीक आने वाला है मंडे से, उसमें तुम्हारी एक हफ्ते में चारों क्लासेस हो जाए, तो चारों के चारों सब्जेक्ट के प्रोफेसर से बात करो, वो तुम्हें रिकमेंड करेंगे कि भाई आपको ये बुक लेनी है, आपको ये रीडिंग ऑर्डर करनी है, उसके बाद ऑर्डर करना। कुछ ऐसे अजम्पशन मत लगाना, नहीं नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो यही बुक होती है या बिजनेस मैनेजमेंट की तो यही बुक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, इट डिपेंड फ्रॉम फैकल्टी टू फैकल्टी की वो तुमसे क्या बोलता है क्या ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि जो भी वो बुक बोलेगा उसके ऊपर ही वो पढ़ा रहा होगा। ये वो सीबीएसई आईसीएसई वाली क्लास 11 12 की बात नहीं है कि एक स्टैंडर्ड बुक चलने वाली है या रीडिंग ओसवाल की बुक चलनेगी या फॉर दैट मैटर फैक्ट आर डी शर्मा है तो आर डी शर्मा ही पढ़ रही है पूरी इंडिया, ऐसे नहीं होता। मल्टीपल बुक से पढ़ाया जा सकता है, बट एक कॉलेज के अंदर एक क्लास के अंदर एक प्रोफेसर एक ही बुक रिकमेंड करता है, मल्टीपल बुक से नहीं पढ़ाता। बट अगेन बुक्स और रीडिंग्स और नोट्स और रेफरेंस मटीरियल ये डिफर करते हैं फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, फ्रॉम क्लास टू क्लास, फ्रॉम टीचर टू टीचर। ठीक है जी, ये पहली बात तो ये है, बुक्स के बारे में हमने बात इतना कर ली। ठीक है जी, आई होप यू लाइक द सेशन, सेशन को लाइक कर देना और तुम्हें मजा आ गया होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। बुक्स के बारे में मैंने जितनी बात करनी थी बिल्कुल टेंशन बिल्कुल तुम्हें समझ आ गई है। फिर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलने स्टार्ट हो गए हैं, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता, मैंने ये बात पहले ही बोली थी, इफ यू डू नॉट नो ओरिएंटेशन प्रोग्राम तुम्हारे कॉलेज का कब है, तुमने अभी तक उतना एफर्ट मारा ही नहीं है मेरे ख्याल से। डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट यार तुम्हें खुद रिसर्च करनी है तुम्हारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब है। तुम इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने कॉलेज को फॉलो करना शुरू कर दो। मान लो तुम राजधानी कॉलेज में हो गए तो राजधानी कॉलेज का प्रेजेंस ऑल ओवर सोशल मीडिया होगा, वहां पे फॉलो करना शुरू करो। सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम कौन से कॉलेज का कब है। प्लस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं अपडेट्स डालता जा रहा हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया, टेलीग्राम चैनल पे सारे जैसे ही अपडेट हो जाओगे वहां पे तुम्हें नोटिफिकेशन आने लग जाता है कि अब इस कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। जैसे आज मैंने सबको बता दिया था जेएमसी का और शिवाजी कॉलेज का और श्यामलाल इवनिंग कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज है, जिसको भी हम जीएमसी का प्रोग्राम लाइव देख रहे होंगे अभी 11 बजे। तो कहने के बाद इतनी सी है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम तुम सबको पता होना चाहिए और ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर मान के मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें लगता होगा जरूरी नहीं है, बट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं पता तुम नेक्स्ट कट ऑफ में, क्या पता सिक्स्थ कट ऑफ आए ना आए, मुझे नहीं पता नेक्स्ट कट ऑफ में तुम्हारा कौन सा कॉलेज होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम तुम अभी जिस भी कॉलेज में हो उस कॉलेज का अटेंड करो, जिस कॉलेज में नहीं हो उस कॉलेज को भी अटेंड करो। तुम्हें यार यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम होने वाले हैं, मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियोस आ रही होंगी ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, तो उसके बारे में ध्यान रखो। ओरिएंटेशन प्रोग्राम सभी कॉलेजेस के अपने जिस जिस कॉलेज में तुम अटेंड हो रखे हो, जिस भी कॉलेज में, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, जो तुम्हें लगता है सिक्स कट ऑफ या सेवन कट ऑफ में मिल सकता है, उसका भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम आई थिंक यू मस्ट अटेम्प्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, क्यों ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद तुम्हारे पास जो व्हाट्सएप लिंक होता है, अब हम नेक्स्ट बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद तुम्हारे पास व्हाट्सएप लिंक्स जनरेट होते हैं, एक ऑथेंटिक व्हाट्सएप ग्रुप में ही जुड़ना, अदरवाइज बहुत सारे फ्रॉड बहुत सारे फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स भी तुम्हारे पास घूम रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट्सएप ग्रुप वही ऑथेंटिक माना जाएगा। मान लो तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, वहां पे 64 स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें पता लगा भाई बीकॉम ऑनर्स में तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ही 30 हैं, तो 65 स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो ऑलरेडी व्हेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ व्हाट्सएप ग्रुप आर मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स इन दैट कॉलेज इन दैट पर्टिकुलर कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन, समझ लो तुम फेक ग्रुप में ऐड हो चुके हो। और टेस्ट करने के लिए जिस भी ग्रुप में तुम ऐड हो, प्लीज उनको फोन कर लो, एक दो बंदों का नंबर उठाओ, लड़कियों का नंबर मत उठाना वरना वो थोड़ा इनसिक्योर फील करती हैं, लड़कों का नंबर उठाओ उनको फोन करो, लड़कियां लड़कियों को फोन करेंगी, लड़के लड़कों को फोन करेंगे। मुझे पता है यार अभी इतने तुम आउटगोइंग नहीं हो गए हो कि तुमने एकदम डायरेक्टली फोन कर दिया, कुछ ओपन माइंडेड हो भी सकते हैं, बट मेजॉरिटी टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज के भी स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज लड़के लड़कों को ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, अगर डीपी दिख रही है एक बार कॉन्टैक्ट करो, मैसेज कर लो, फोन कर लो और उनको बोलो भाई आर यू फ्रॉम राजधानी कॉलेज, आर यू फ्रॉम हंसराज, आर यू फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इट डिपेंड्स, समझ गए ना। तो उनको कॉन्टैक्ट करो और पता लगाओ कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर तुमने एनरोल किया है वो ऑथेंटिक है भी या बस तुम्हारा काटा जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे साथ फ्रॉड कॉल हो रही है या फ्रॉड ग्रुप में तुम्हारी एंट्री हो गई है। फिर एक और ऑथेंटिक ग्रुप आइडेंटिफाई करने का मैकेनिज्म है, ऑथेंटिक ग्रुप्स के अंदर तुम्हारे पास जो ग्रुप एडमिन होता है वो दो बंदे होते हैं, या तो कोई स्टूडेंट होता है
या स्टूडेंट के साथ साथ ग्रुप एडमिन जो होता है वो तुम्हारी फैकल्टी होती है, प्रोफेसर होता है, या फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट, सिमिलरली फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री बीएससी लाइफ साइंसेज, ये सब साइंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर वहां पे ग्रुप एडमिन होगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप को रियल ऑथेंटिक व्हाट्सएप ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का एक मैकेनिज्म है, एक बार उनको फोन करके देखो, ग्रुप एडमिन जो है उनको फोन करके देखो, वो तुम्हें प्रॉपर गाइड करेंगे कि तुम सही जगह आए भी हो या अभी मजाक ही चल रहा है, समझ रहे हो। तो ऑथेंटिक ग्रुप्स में ऐड होना और कुछ भी घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ऑथेंटिक ग्रुप में ऐड नहीं भी हो पाए उसमें घबराने वाली बात नहीं है, 22 से लेकर 30 नवंबर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें अपनी क्लासेस भी पता लग जाएंगी कब हो रही है, टाइम टेबल भी पता लग जाएगा कब हो रहा है, व्हाट्सएप जो ऑथेंटिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। इतना मुश्किल टास्क टफ टास्क नहीं होता आइडेंटिफाई करना, सर्च करना आइडेंटिफाई करना मुश्किल टास्क नहीं होता। प्लस एक और मैकेनिज्म है जिससे तुम अपने जितने भी कलीग्स हैं जितने भी तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स बनने वाले हैं उनके साथ तुम कोलैबोरेट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे कमेंट कर देना कि मैं एएनडीसी से हूं, मैं राजधानी से हूं, मैं आईपी कॉलेज फॉर वुमेन से हूं। सिमिलरली कमेंट में लिख देना यूट्यूब चैनल मेरे चैनल के ऊपर, कमेंट में लिख देना किसी भी वीडियो के ऊपर, तुम्हारे पास कमेंट्स पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं, वो लाइक कर देंगे, वो लाइक कर देते हैं और बता देते हैं मैं भी इससे हूं या मेरी भी सेम प्रॉब्लम है, मैं भी एएनडीसी से हूं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तुम कोलैबोरेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जो बड़े बड़े पेजेस हैं उनके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कोई पेज है, गोकुल छाबड़ा मेरा खुद का एक इंस्टाग्राम पे पेज है, हमारा खुद का टेलीग्राम का पेज है, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो इसके अंदर अगर कमेंट कर दोगे तो तुम्हें अपने कलीग्स भी मिलने शुरू हो सकते हैं और वहां से रियल व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है उसका लिंक है उसके ऊपर तुम कोलैबोरेट कर सकते हो, राइट। फिर हम बात करते हैं टाइम टेबल्स की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 22 नवंबर से कुछ कुछ कॉलेजेस की, ध्यान से समझना, कुछ कुछ कॉलेजेस की ओरिएंटेशन, समझ आ रही है ना बात अभी तक, एक बार समझ आ रही है तो यस बोलो, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। फिर हमारा 2-3 मिनट का और सेशन रह गया, फिर हम जेएमसी के लाइव सेशन में जाएंगे। जल्दी से सेशन को जल्दी से लाइक करो ताकि मेरे को पता लग जाए भाई तुम सबको समझ आ रहा है, और इस वीडियो को लाइक करते चलना, हमारा टारगेट है इस वीडियो के अंदर आज के आज 2000+ लाइक्स लेके जाना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंपैक्ट पड़ सके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता लग सके भाई फर्स्ट ईयर के ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, टाइम टेबल कुछ कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे शो होना शुरू हो चुका है, एक बार मैं जैसे दिखा देता हूं तुम्हें, कुछ कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे, ठीक है मैं एक बार कॉलेजेस की वेबसाइट खोलता हूं। जैसे मैं उस दिन दयाल सिंह इवनिंग की वेबसाइट पे जा रहा था, ये देखो दयाल सिंह इवनिंग की वेबसाइट पे जाता हूं, आई एम श्योर तुम्हें दिख रहा होगा, दयाल सिंह इवनिंग की वेबसाइट पे तुम जाओ तो देखो यहां पे एकदम पॉपअप होते ही तुम्हें दिख रहा होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर तुम्हें पॉपअप होते ही देखो यहां पे दिखने लग जाएगा टाइम टेबल 2021-22। इस पे तुम जैसे क्लिक करोगे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो देखो तुम्हारे पास टाइम टेबल 2021-22 आ गया है। लेट्स से मेरे को बीकॉम प्रोग्राम का रिवाइज टाइम टेबल, पहले कुछ और टाइम टेबल आया था अब एक नया टाइम टेबल आया है, देखो रिवाइज टाइम टेबल बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1, रिवाइज टाइम टेबल बीकॉम ऑनर्स, रिवाइज टाइम टेबल ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, रिवाइज टाइम टेबल बीकॉम प्रोग्राम, रिवाइज टाइम टेबल बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1, रिवाइज टाइम टेबल इंग्लिश ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तुम्हें बता दिया तो देखो यहां पे जहां पे लिखा हुआ ना ये तुम सबका टाइम टेबल है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का, है नहीं कितनी मस्त बात। टाइम टेबल कहां आने शुरू हो रहे हैं, टाइम टेबल्स तुम्हारे पास आने शुरू हो रहे हैं तुम्हारे कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर। अब मान लो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी तुम्हारे 10 से 11 बजे क्लास है, 11 से 12 जी वन की क्लास होती है, फिर 1 से 2 तुम्हारी ईवीएस की क्लास होती है, 11 से 12, 12 से 1 मतलब ये क्लास 2 घंटे भी खिंच सकती है। जी क्या होता है, जनरल इलेक्टिव होता है, उसके बारे में बाद में करेंगे। जनरल इलेक्टिव 1 का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन सा जनरल इलेक्टिव तुम्हें चूज करना है। तो ऐसे टाइम टेबल्स तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं दोबारा दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाता हूं, ये देख लो दयाल सिंह कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर तुम देख सकते हो हर एक कोर्स का टाइम टेबल रिलीज होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल अब मुझे देखना है महाराजा अग्रसेन, तो मैं महाराजा अग्रसेन डीयू टाइप करता हूं, महाराजा अग्रसेन के होम पे जाता हूं, देखो कि टाइम टेबल रिलीज हुआ है। यहां पे नोटिसेस देखो, यहां पे नोटिसेस दिखना शुरू हो गए होंगे। मेरे को नहीं लगता अभी टाइम टेबल रिलीज हुआ है, हाँ अभी देखो इसमें टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हें अभी वेट करनी है। अपने कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाना शुरू करो और तुम्हें वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा कि टाइम टेबल रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। ऊपर ही दिखना शुरू हो जाता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही तुम्हें कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन फ्रंट में आ जाएगा, पॉपअप होने लग जाएगा कि तुम्हारे टाइम टेबल रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे तुम सबके साथ करनी थी। टाइम टेबल 22 नवंबर से कुछ कुछ क्लासेस 22 नवंबर से हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस 22 नवंबर से हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस 23 नवंबर 24 नवंबर से हैं,
क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम कुछ कुछ कॉलेजेस ने 18 को करा है, कुछ ने 19 को करा है, कुछ ने 20 नवंबर, कुछ ने 21 नवंबर, कुछ ने 22 नवंबर को भी। अब जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था शायद दौलत राम का देशबंधु का, तो अपना 20 नवंबर को है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो उनकी क्लासेस 22 से शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली कुछ कुछ कॉलेजेस 22 को ही कर रहे हैं। आर्यभट्टा कॉलेज, मेरे को याद आ रहा है आर्यभट्टा कॉलेज 22 नवंबर को ही अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहा है, तो उनकी क्लासेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उस दिन नहीं होंगी, उसके अगले दिन या उसके वेडनेसडे को स्टार्ट हो जाएंगी। आई एम श्योर तुम समझ रहे हो, ठीक है। सिलेबस मैंने तुम्हें बता दिया, अब हम लास्ट बात जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम सबके लिए है। सिलेबस कैसे सर्च करना है, मान लो बीकॉम ऑनर्स स्टार्ट्स ऑनर्स तुम कर रहे हो, तो मान लो तुम लिख दो स्टार्ट्स ऑनर्स सीबीसीएस, ऐसे लिख दो, मैं दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखो मैं तुम्हें लाइव दिखा रहा हूं, स्टार्ट्स ऑनर्स लेसे तुम कर रहे हो, तो लिखो स्टार्ट्स ऑनर्स DU, सिलेबस DU, स्टार्ट्स ऑनर्स सिलेबस DU। तो देखो बीकॉम ऑनर्स का क्या सिलेबस है 2015 का, ये देखो 2015 का ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, यही सिलेबस है। तुम्हें यहां पे लिखा होना चाहिए सीबीसीएस, देखो लिखा हुआ है ना चॉइस बेस्ड करियर सिस्टम। ये 2015-16 में नया कोर्स लॉन्च हुआ था, उसके बारे में तुम्हारे पास दिखा रखा होगा। ये देखो देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स के कितने मार्क्स है, कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, इलेक्टिव कोर्सेज कौन से होते हैं, कितने पेपर्स होने वाले हैं, फिर आपके सेमेस्टर वाइज ब्रेकअप भी इन्होंने बता रखा होगा, फिर AECC जिसको बोलते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, सिमिलरली आपका पेपर ऑफ 2 क्रेडिट कौन सा होने वाला है, एनवायरमेंटल साइंस इंग्लिश MIL, ये सब तुम्हारे कोर्सेज, ये सब तुम्हारे सब्जेक्ट्स के नाम है। सिमिलरली तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी भाई, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एनालिसिस, ये सब चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, राइट। फिर सेमेस्टर वन देखो, सेमेस्टर वन के अंदर देखो कोर पेपर्स इन स्टैटिस्टिक्स यूनिट वन यूनिट टू, सेमेस्टर वन में तुम्हें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, उसका क्रेडिट है 6। सिमिलरली सजेस्टिव रीडिंग्स भी बता रखी है, मैंने तुम्हें बताया ना अभी रीडिंग्स, बट ये रीडिंग्स परचेज करने से पहले अपने प्रोफेसर से जरूर पूछ लेना, उसके बाद ही इन रीडिंग्स को परचेज करना। सिमिलरली थोड़ा अगर नीचे जाएंगे, ये देखो अब सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ाया जाएगा, कैलकुलस पढ़ाई जाएगी। तो ऐसे जाके जिस भी कोर्स के हो तुम वहां पे लिख दो बीकॉम ऑनर्स सिलेबस DU, ऐसे करके तुम्हें अपने क्लासेस पता लग जाएंगी, अपना सिलेबस पता लगने लग जाएगा। इज दैट राइट? ठीक है, हम लास्ट बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की। बहुत बढ़िया, आई एम श्योर तुम्हें मजा आ गया होगा, सबको सेशन अटेंड करके। ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन कब से होंगी, ऑफलाइन कब से होंगी। देखो यार 22 नवंबर से लेकर एटलीस्ट दिसंबर एंड तक ये मान के चलो तुम्हारे पास जितनी भी क्लासेस है वो ऑनलाइन ही होने वाली है। अभी तक ऑफलाइन क्लासेस का कोई होप रखने की प्लीज कोई जरूरत नहीं है, अगर रख रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो तुम अपने ख्याली पुलाव तुमने अपने दिमाग में डाल रखे हैं कि नहीं यार ऑफलाइन क्लासेस हम एजुटेशन करेंगे। कोई मेरे को बोलता है हंगर स्ट्राइक पे चलते हैं, कोई मेरे को बोलता है ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, यार ये सब प्रोपोगेंडा क्रिएट करना, ये सब धरने करना अभी तुम्हारा एटलीस्ट काम नहीं है। जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे तब पॉलिटिकली एक्टिव हो जाना, तब इन सब बातों में इंटरेस्ट ले लेना, तब इन सब बातों का ध्यान दे देना। हाउएवर अभी के लिए क्लासेस तुम्हारी ऑनलाइन है, प्लीज इस रूल को, इस पॉलिसी को, इस ऑर्डर को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। मुझे पता है तुम्हें ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, मैं उस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हाउएवर जो कंडीशंस DDMA दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो तुम्हें बताने वाली है कि तुम्हारे क्लासेस ऑफलाइन कब से होंगे। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर इन पर्टिकुलर के लिए क्लासेस ऑफलाइन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से होने के चांसेस हैं, अगर अभी तक सब सही रहा तो। अभी तो दिल्ली के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन्होंने बंद कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन इंडेक्स, जो एयर इंडेक्स होता है वो बहुत ही खराब चल रहा है। फिर कोविड के सिचुएशन अगर और खराब होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो इस केस में बड़े सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके ऑनलाइन मोड में आपकी क्लासेस अभी बिगिन करी जा रही है 22 नवंबर से। हाउएवर बिल्कुल होप लूज करने वाली बात नहीं है कि भैया वही होने वाला जो 11-12 में होता था, हम घर पे बैठेंगे जूम क्लासेस अटेंड करेंगे, भैया इंटरेस्ट नहीं आता, मैं सारी बात मानता हूं तुम सबकी। हाउएवर अभी के लिए ऑफलाइन क्लासेस क्या सोचना बिल्कुल व्यर्थ बात है, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। ऑफलाइन क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मुझे लगता है 1.5 महीना एटलीस्ट तुम्हें वेट करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तुम्हारे साथ डेफिनेटली हो रहा होगा। इज दैट राइट? बहुत बढ़िया। चलो अब सारे मेरे से जितने भी तुम्हारे सवाल है एक बार पूछ लो, सब एक बार कमेंट करके बता दो तुम्हें सब समझ आया, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम्हारी क्वेरीज लेने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सेशन को सारे लाइक करके जाना, जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं सेशन को सारे लाइक कर दो। अब हम जेएमसी का देखने वाले हैं कि भाई GSN मैरी कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे यार बहुत इंटरेस्ट था GMC का, मैंने कभी देखा नहीं है, और यूट्यूब चैनल पे GMC कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम 11 बजे से स्टार्ट होना है, तो उसके बारे में थोड़ी लाइव स्ट्रीम करके जाएंगे, फिर हम बाय बाय करेंगे, टाटा करेंगे, ठीक है।
अरे वाह वाह वाह, अभी शुरू हुआ नहीं है, 11 बजे शुरू होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फर्क नहीं पड़ता, तुम जेएमसी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हो 11 AM ऑनवर्ड्स इसी चैनल पे। मेरे साथ जुड़े रहो, हम 2-3 मिनट और वेट करेंगे, जैसे ही शुरू होगा मैं तुम्हारे पास दिखाना शुरू कर दूंगा। यस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम सबको समझ आ गया। जितनी इन डेप्थ मैं बात कर सकता था उतनी मैंने कर दी। अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो बताओ, एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, मैं तुम सबको कांग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बढ़िया, तुम्हारा एडमिशन हो गया भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। हम फाइनली 22 नवंबर से एक नया फेज अपनी लाइफ का स्टार्ट करने वाले हैं, नई क्लासेस होंगी, नए एनवायरमेंट होगा, नया ऑरा होगा। स्कूल अब खत्म हो गया, कॉलेज अब स्टार्ट हो गया। अभी शिवाजी कॉलेज का हम देख रहे थे ना ओरिएंटेशन, तो उसमें बोला नहीं कि अब आप मच्योर हो, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। यू हैव टू बी अ डिसीजन मेकर नाउ। पहले तो घर वाले डिसीजन मेकर हुआ करते थे, अब डिसीजन मेकर तुम हो। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने तुम्हारे पास पावर होगी डिसीजन मेकिंग की उतनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, यू हैव टू बी मच्योर इनफ, एंड यू हैव टू बी अबाइडिंग, यू हैव टू बी सोबर, डिसिप्लिन एंड फोकस टूवर्ड योर गोल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। सोसाइटीज क्या है, प्लेसमेंट सेल क्या होती है, इन सब के बारे में वीडियोज आती रहेगी। मैं तुम्हारे पास जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने अपना चला दिया, ये आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन हमने कर दिया, वैसे हम करते रहेंगे, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा। हाउएवर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना है यहाँ पे कि तुम अपनी जो भी लाइफ जियोगे अपना हर एक एफर्ट लगा दोगे हर अच्छे कोई भी काम को करने के लिए, अपना हर एक एफर्ट लगा दोगे कोई भी काम को करने के लिए। मैंने एक कोट पढ़ी थी, द वन हु पुट्स एवरी आउंस ऑफ एफर्ट इन डूइंग समथिंग विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन द वन हु मे हैव द कैपेबिलिटीज बट डज नॉट नो हाउ टू पुश द लिमिट्स। इसका मतलब इतना सा है, वो इंसान जो यार अपना हर एफर्ट अपनी आखिरी जान तक लगा देता है ना किसी काम को करने में, वो हमेशा बेटर परफॉर्म करता है, वो हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होता है उस इंसान से जिसके पास स्किल्स या कैपेबिलिटी जरूर होंगी बट वो अपनी लिमिट्स पुश करना नहीं जानता। समझ रहे हो? तो अपनी लिमिट्स पुश करना तुम्हें तुम्हारे खुद के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। कोई तुम्हें बोलता नहीं कि भाई 10 बजे सो जा, कोई तुम्हें तुम्हें अब कोई बोलेगा नहीं कि नहीं बेटा 9 बज गए तू इतनी देर सोया हुआ क्यों है, उठ जा। अब तुम्हारे खुद के हाथ में तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसे होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, राइट। चलो जेएमसी, अरे वाह जी वाह, जेएमसी शुरू हो गया। चलो जेएमसी देखें, जेएमसी शुरू हो चुका है भाई। बताना एक बार, थम्स अप करना, सुनाई दे रहा ना। ब्लेंडिंग व्हेन इन नीड, लेट दोस फ्रेंडशिप्स लास्ट बियॉन्ड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक बार थम्स अप कर देना, सुनाई दे रहा ना। बी अ लिबरेटिंग टाइम एज सम स्टेप आउट इनटू new freedom and independence, let their experiences become wisdom for life. May it be life-changing as they discover new passions and interests and perhaps even new callings. We ask all of this in your holy name. Amen. Now I invite our respected principal, Professor Sandra Joseph, to welcome our first year students to the Jesus and Mary College family. Thank you, Megha. A very good morning to one and all. It is with a deep sense of gratitude to God for all blessings bestowed upon this institution and its achievements that I welcome one and all to this orientation program for the first year students of 2021-2022. On behalf of the management, teaching and non-teaching staff, I welcome each one of you today to be a part of Jesus and Mary College in its mission of education for women. It is my privilege to usher you in with a warm welcome as you enter the portals of this great institution, virtually though. As on date, Jesus and Mary College has about 3,200 students enrolled. As we step into yet another academic year, we are still experiencing a slew of challenges. The main triggering factor is the COVID pandemic, which has created an unprecedented situation
where we as institutions of higher learning had to adopt to online modes of teaching, learning, and assessment. With normalcy slowly returning, educational institutions are facing uncertain situations like student safety, creating strong hybrid learning environments, and so on. Digital learning has become a new normal and here to stay. I will now make a presentation of the college and familiarize you to the campus and all that it has to offer you. We hope that very soon we can have you on campus and bring life to the fullest. Thank you, ma'am. We will now watch a documentary on Jesus and Mary College, taking you back to its journey since 1968. क्या हो रहा है अभी, क्या चल रहा है? ये शिवाजी की बैटर थी या जीएमसी की बैटर, जल्दी बता दो चैट्स में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये उम्मीद नहीं थी मेरे को, मजाक नहीं कर रहा। जेएमसी कॉलेज का ओरिएंटेशन मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो मैं तुम सबको क्या दिखाऊं? अनेबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी जेएमसी, इसमें यार बेटर परफॉर्म करना था आपको। जीएस एंड मैरी कॉलेज को एक फीडबैक हम दे रहे हैं, बेटर परफॉर्म करना था, ठीक है। अब जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होने वाली है, मैं तुम सबके पास बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। कुछ उनके एंड से ही प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो यार लाइव दिखा रहा था तुम्हें, कुछ उनके एंड से ही प्रॉब्लम आ रही है। जो भी तुम्हारी रिमेनिंग क्वेरीज है, एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना, जेएमसी का बेटर था या शिवाजी कॉलेज का बेटर था? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय जेएमसी, मुझे बिल्कुल नहीं इतना अच्छा लगी है बात की जो भी उनका अभी हो रहा है। डीआरसी का चल रहा है क्या अभी? दौलतराम कॉलेज का मेरे ख्याल से तो नहीं आया, दौलतराम कॉलेज का तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम मेरे ख्याल से अभी तक रिलीज नहीं हुआ। एक बार मैं फिर भी तुम्हारे सामने देख देता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे सामने देख देता हूँ। बहुत बढ़िया। डीआरसी स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्टैक्ट। डीआरसी स्टूडेंट्स का कोई अभी कनेक्शन नहीं आया क्या? नहीं, डीआरसी स्टूडेंट्स का अभी कोई नोटिस नहीं आया ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। जैसे आएगा मैं तुम सबके पास लेके आ जाऊँगा। जेएमसी का यार मेरे को खुद नहीं अभी मैं दोबारा एक बार देख लूँ, वही तो कह रहा हूँ, व्हाट्स वॉइस इज नॉट क्लियर। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ओरिएंटेशन प्रोग्राम का वो किल हो चुका है। मे बी उन्होंने, मे बी जो जेएमसी है उन्होंने गूगल मीट पे किया, इन्होंने जूम पे किया था, तो जूम हमेशा बेटर परफॉर्म करता है अगर आपको लाइव स्ट्रीम करनी है, ठीक है। रिव्यूज अबाउट एलसीबी, मतलब
बताओ जी ARSD हो चुका है, जल्दी बताओ जिन कॉलेजेस का भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम रह गया है उन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सारे जाके मेरे को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे सारे ज्वाइन कर लेना। 6 कट ऑफ का अपडेट जैसे है कि मैं तुम्हारे पास बता दूंगा। अभी एक वीडियो आने वाली है तुम्हारे पास शाम तक, उसमें मैंने इन डेप्थ बताया है बुक्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, व्हाट्सएप लिंक, टाइम टेबल, सिलेबस ऑनलाइन ऑफलाइन और जितने भी तुम्हारी क्वेरीज हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वो मैंने सॉल्व करी है। BSc CS के अंदर GE कैसे लेना है, जनरल इलेक्टिव और इन सब के बारे में बात हम कर रहे होंगे लेटर ऑन। अभी के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम को एंजॉय करो। 6th कट ऑफ के बारे में भी अपडेट बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाली है, जैसी आएगी वो मैं तुम्हारे पास डेफिनेटली एक नई वीडियो बना दूंगा और उसमें तुम्हें सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी, कोई हार्ड इश्यूज नहीं है उसमें, ठीक है जी। ANDC का भी मेरे ख्याल से आज ही होना था, देख लेता हूं। एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना लो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ऑलरेडी एक्टिव है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ शावेज, एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना लो, ये बात सही बोल रहा है। डिस्कॉर्ड सर्वर मेरे पास ऑलरेडी है भैया, मजा आ रहा है, वो मजे तो आ ही रहे होंगे तुम्हें। विवेकानंद कॉलेज, हाँ विवेकानंद कॉलेज का भी मेरे ख्याल से आज ही होना है। गार्गी का ओरिएंटेशन का नोटिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं आया, फिर भी मैं एक बार देख देता हूँ। मेरे ख्याल से गार्गी का ओरिएंटेशन जितना मुझे पता है गार्गी कॉलेज का भी 22 नवंबर को ही होने वाला है। गार्गी कॉलेज का ओरिएंटेशन नहीं, अभी कुछ नहीं आया। गार्गी कॉलेज का ओरिएंटेशन के बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं है, जैसी अपडेट आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस लाइव सेशन में अपडेट कर दी हैं, डिस्कस कर दी है, एक बार सारे सेशन को लाइक करके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलने वाले हैं, जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज है एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।